तो वो गिर गए और उनके हाथ में ना छोटा सा माइनर सा फ्रैक्चर हो गया है। तो अब मुझे जाना है ऑफिस और वहाँ पर काम संभालना है आज का, और हाफ डे करके फटाफट आना है। फिर मेरे घर में मेहमान भी आ रहे हैं, इन साहब को मिलवाना है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आज। भाई ये इनका फ्रैक्चर हो गया है माइनर सा, तो अब ये थोड़ा रेस्ट पे है अब। हाँ जी, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग गाइज। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, आज मेरे घर में बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं। सबसे बड़ा गैंगस्टर जो है वो आने वाला है। मज़ाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है गाइज़। तो आज आपको मैं उससे मिलवाता हूँ अपने घर पे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आज का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। क्या मौसम हो रहा है यार, वाह। मम्मी आज जो हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? मेहमान नहीं है, मेरा राजकुमार आ रहा है। राजा आ रहा है, लो जी देख लो। बस ब्रेकफास्ट करके जल्दी से मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है आज, और फिर मैंने आज उनको लेने भी जाना है। या शायद मम्मी वो खुद आएंगे ना? हाँ। खुद आ रहे हैं वो? वो खुद आ रहे हैं गाइस, मैं लेने नहीं जा रहा उनको। जल्दी से नाश्ता करते हैं और चलते हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। अब मैं इसमें मैगी मसाला डालूंगा, क्योंकि इसके बिना मेरे से खाना नहीं खाया जाता, गंदी आदत डल गई है गाइस। ऑफिस के लिए मैं निकल गया हूँ, मुझे स्कूटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मेरा ऑफिस है वहाँ पे तो गाड़ी जा ही नहीं सकती, बहुत ट्रैफिक रहता है। दुनिया जहान का ट्रैफिक वहाँ पे है, आप लोगों को पता ही होगा सदर बाज़ार में कैसा ट्रैफिक रहता है। तो बस अब मैं निकल गया हूँ गाइस। आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा है, धूप कम है आज, गर्मी कम है, ह्यूमिडिटी भी कम लग रही है, तो थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी बहुत ट्रैफिक है प्रॉपर, मतलब वहाँ तो ऐसा ट्रैफिक है, वहाँ गाड़ी अगर ले गए तो फंस ही जाएंगे कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। मैं पहुँचा हूँ ऑफिस, अपने ऑफिस में काम चल रहा है अब। मेरे ख्याल आज 4-5 बजे तक फ्री हो जाएंगे हम लोग गाइस। अब मैं निकल गया हूँ दुकान बढ़ा के, मैं जा रहा हूँ घर। घर जाके देखता हूँ कुछ सामान वामान लेके आना है मेहमानों के लिए, चिकन विकन कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखता हूँ जाके। फिर उसके बाद सैलून भी जाना है। गाइज अभी मैं सैलून जा रहा हूँ, थोड़ा ग्रूम होके मिलता हूँ आपसे। तो गाइज मैं अभी घर आ गया हूँ, चिकन विकन ले आया हूँ, खाना तैयार हो रहा है। तो अब मैं फटाफट से नहा के तैयार होके गुरुद्वारे जा रहा हूँ, गुरुद्वारे से मत्था टेक के आऊँगा। तब तक हमारे घर में मेहमान भी आ जाएंगे, जिनका मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ। अब मैं फटाफट से रेडी हो जाऊँ जरा। तो गाइज मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे साहब मत्था टेकने। जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से आता हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि परफ्यूम्स लगाना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कहीं बाहर जाएं अपने दोस्तों के साथ, या फिर कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा क्राउड हो वहाँ पे परफ्यूम ज़्यादा लगाएं, ताकि आप लोगों को आपकी फ्रेगनेंस से नोटिस किया जाए, आपकी पर्सनालिटी से नोटिस किया जाए। गाइस परफ्यूम लगाने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप स्प्रे करते रहे। आप लोगों को खाली 1, 2, 1, 3, 4 और ये 5, दैट्स इट। तो गाइस मेरा आउटफिट ये है, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है मेरा प्रॉपर आउटफिट। अब मैं गुरुद्वारा साहिब जा रहा हूँ, गुरुद्वारा साहिब से आके आप लोगों को दोबारा कैरी करता हूँ। गाइस अब मैं लिफ्ट में हूँ, मैं गुरुद्वारे से मत्था टेक आया हूँ, और अब मेरे घर पे मेहमान आ गए। मैं हो गया हूँ लेट आने में, ट्रैफिक में जाम में फंस गया था, अब मैं लेट आ गया। वो मेहमान आए हुए हैं घर पे, तो आपको दिखाते हैं। जो डॉन है, जो बहुत बड़ा डॉन गैंगस्टर है, वो आ चुका है मेरे घर पे, आपको दिखाता हूँ। गुरबंडोन, ये है वो बंदा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, गुरबंडोन। हेलो करते गाइस, तेरे भी ब्लॉग बने हुए हैं, कहाँ पे है गाइस? इसके भी ब्लॉग हैं यूट्यूब पे। ये मेरी बहन है, और ये जो डॉन है गुरबंडोन, ये इसका बेटा है। खतरनाक बंदा है बहुत। ये देखो जनानियों वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे हमारे घर पे, आज सारे आए हुए हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय करो। ये मेरी नानी है, देखो बढ़िया से भेंग आ रही है गाड़ी की ओर है। गाइस ये अंदर रोटी का रोटी रोटी देखो, ये मना कर रही है मम्मी, कह रही है रसोई गंदी हो रही है, अब खाना बनेगा तो रसोई तो गंदी हो जाएगी। क्या बनाया क्या आज? मटन। गाइज ये तो मुझे लग रहा है वो बने बे बे बोलते हैं ना इसको बे। और ये देखिए वाओ, ये क्या अम्मा? मटन।
यहाँ पे अभी डिस्कशन चल रहा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कब पूरे होंगे, आप जल्दी से चलाइए और मेरी फैमिली में मेरी बेइज्जती होने से बचाइए, लोग हंस रहे घर पे, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो मैं अभी घर आया हूँ और इसने पहले ही यहाँ पे आतंक मचा रखा है, मेरा PS5 खोल के बैठा हुआ है और गेम खेल रहा है। PS5 चल रहा है नहीं चल रहा? कौन सी गेम खेल रहा था? क्यों नहीं चल रही? चला इसको ऑन कर, मैं चलाता हूँ भाई। आतंक मचाना शुरू कर दिया। अरे यार भाई मारेगा क्या? ये देखो गाइस इतनी तगड़ी आतंक है ना, ये कोई जवाब नहीं है इसका भाई है। क्या चाहता तू? क्या चाहता है? बंदूक चाहता हूँ। बंदूक? क्या करना है बंदूक का? किसको मुझे ठोकेगा? ये देखो गाइस, ये इसको बेचारे का सर ही दर्द रहता है हमेशा। इसको इसको प्रॉब्लम है कोई ना कोई, ये इसकी प्रॉब्लम साथ बैठी हुई है। इनको सी ऑफ करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं, फिर खेलेंगे आज PS5। बाय। क्या गेम खेले बच्ची को? गाइस अब हम PS5 खेल रहे हैं। कितनी बार बोल चुका अबे। अबे बताना पड़ता है ना सबको यार, बोर हो जाएंगे नहीं तो वो लोग। ये खेलते हैं अनचार्टेड, खेलते हैं अनचार्टेड 4। बैंड तो कर दिया इसका। किसका? इसका एंड करा तुमने? कैसे करा? तूने नहीं किया? मैंने तो कर रखा है, तूने तो खेली भी नहीं है, मेरे को पता है ना। क्या करना तेरे को? बम फाड़ना था। आतंकवादी है तू? गैंगस्टर है, डॉन है या आतंकवादी है? क्या मेरे मामू इतना बढ़िया गेम खेलता है, देख सकते हो आप, फाइट हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ। गुरमन आज तेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, पहले बता जो जवाब पूछ रहा हूँ। हाँ। है? हाँ। पास हो जाएगा तू? हाँ। तू अब नानी के घर छुट्टियां मनाने आया है? हाँ। और ये इसकी छुट्टियां है और हमारा इस हमारी सजा है ये। आ छोड़ इसको, ये आज रेसलिंग वाली है। क्या हो गया भाई, इतना शोर कैसे है? बदतमीज। कहाँ से? गाइस मेरा तो डिनर करने का मन नहीं है, मैं खाना खा के आया था बाहर से गुरुद्वारे के बाद, अब मैं तो फ्रूट खा रहा हूँ। अब ये आज हमारे घर आया हुआ है, गेम भी खेल लिया हमने, अब इसके साथ मैंने रेसलिंग भी कर ली है। नहीं किए गाइस, थोड़ी देर की है, पूरी नहीं की। पूरी करेंगे, अभी पूरी करेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, एंड आई लव यू।